सुनील पांडे के भाई संतोष पांडे के घर एनआईए ने छापेमारी की। एनआईए की छापेमारी करीब 5 घंटे तक चली। छापेमारी में AK-47 बरामद किया गया है। पटना में पूर्व जेडीयू विधायक के भाई के घर पर छापेमारी हुई है और इस छापेमारी में AK-47 बरामद किया गया है। जेडीयू के पूर्व विधायक के भाई के घर पर यह छापेमारी हुई जिसमें AK-47 बरामद किया गया है। संतोष पांडे के यहां छापेमारी एनआईए ने की है। सुनील पांडे के भाई हैं संतोष पांडे, पूर्व विधायक सुनील पांडे के भाई संतोष पांडे के घर पर छापेमारी हुई है। रजनीश सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, हमारे सहयोगी रजनीश। किस आधार पर छापेमारी हुई और AK-47 जो बरामद हुआ है उसको लेकर क्या कहा जा रहा है? जी देखिए विद्या, ये जो छापेमारी है सुबह से चल रही थी। एनआईए ने न सिर्फ पटना बल्कि रोहतास और छपरा में जो हुलास पांडे जो उनके भाई हैं सुनील पांडे के और संतोष पांडे दोनों के घरों पर जितने आवास है वहां पर छापेमारी की। कहा यह भी जा रहा है कि जबलपुर से जो एक घटना घटी थी जिसमें बंदूकें गायब हुई थी AK-47 उससे जोर के से देखा जा रहा है। लेकिन ये जो बरामदगी है इसमें ये कहा जा रहा है कि AK-47 की बरामदगी हो सकती है। जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं, जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि AK-47 हो सकती है, मगर इसकी पुष्टि एनआईए के अधिकारियों ने नहीं की। उन्होंने कहा है कि ये ऑफिशियल जब हमारा बयान आएगा तब आपको हम बता सकते हैं क्या बरामदगी हुई है। कुछ लोग इसे लाइसेंसी राइफल कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे AK-47 कह रहे हैं, अलग अलग बातें सामने आ रही है, मगर ये है कि हथियार इस घर से बरामद हुए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका रजनीश। जेडीयू के पूर्व विधायक सुनील पांडे के भाई संतोष पांडे के घर पर एनआईए की छापेमारी हुई और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि उनके घर से हथियार बरामद हुआ है। हालांकि ये हथियार कौन सा है इसके बारे में पुलिस की तरफ से या फिर एनआईए की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब हम ऑफिशियली आपको जानकारी देंगे तो बताएंगे कौन सा हथियार था और किस मकसद से रखा गया था। एनआईए ने आज 2 शहरों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। पहली छापेमारी तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हुई जहां आईएएस मॉड्यूल की तलाश में एनआईए ने रेड की। रेड के दौरान एक संदिग्ध को गिरफ्तार भी किया गया और जांच के लिए एनआईए टीम उसे अपने साथ ले गई। दूसरी छापेमारी बिहार की राजधानी पटना में हुई। जेडीयू के पूर्व विधायक सुनील पांडे के भाई संतोष पांडे के यहां छापेमारी हुई, उनके घर पर छापा मारा गया एनआईए की तरफ से जिसमें हथियार भी बरामद हुआ है। संतोष पांडे के घर से बताया जा रहा है कि AK-47 मिला। हालांकि जो जांच एजेंसी है उसके मुताबिक अभी इस बात की पुष्टि वो नहीं कर सकते हैं कि कौन सा हथियार है। वो ऑफिशियली जब पूरे मामले को लेकर बात करेंगे तो जानकारी देंगे।